वो है जिनके होने से महफिल में जान होती है, उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं, उनकी शुरू से ही उनकी पहचान होती है। We are extremely privileged to welcome singer turned politician, a recipient of civilian honor of Padma Shri, today's chief in guest, Hansraj Hansji. We request convener of culture committee Dr. Achala Bharti ma'am and student union advisor Dr. Sangeeta ma'am to please come on a dais. I would request our principal sir to kindly welcome him with our token of appreciation. नहीं आप बैठो। Thank you, sir. Sir, you merely need an introduction. With your distinguished hard work in numerous capacities, we are fortunate enough to have you with us. Now, I request our chief in guest over podium for your words of wisdom. I request our chief in guest Hansraj Hansji over podium for your words of wisdom. As his work as a member of parliament in the morning and could not join us. Sir, we welcome you very warmly. Please come up to the stage and address the students. मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ू फसाना, कहाँ तमाम करूँ। बड़ा एक्साइटेड था यहाँ आने को। माननीय प्रिंसिपल राजीव अग्रवाल सर जी, अचला भारती मैडम जी, डॉक्टर संगीता जी और डॉक्टर माता दीन जी, नीटू डबास जी, सारे टीचर साहबान को दर्जा बदर्जा सीक्वेंस वाइज बा अदब नमस्कारम प्रणाम चरण स्पर्श, क्योंकि हम लोग भी अगर कुछ हमने अचीव किया है तो वो टीचर साहबान की वजह से, इनके आशीर्वाद से। तो जहाँ भी कोई उस्ताद या टीचर मिले उनको नमस्कार कर दीजिए करे, ताकि आपका ये मस्तक चलता रहे। स्टूडेंट्स यूनियन को भी नमस्कार और जिंदाबाद। मेरी खुशनसीबी है मैं इतने अहम फंक्शन का हिस्सा बना हूं। दिल तो करता था कि आऊं, गाने बजाने, सुर की शायरी की बातें हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का माहौल थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। पहले किसी एक इंसान का कत्ल हो तो पूरी दुनिया में कहते थे आज काली अंधेरी उठी है, किसी का मर्डर हो गया है। आज इतने लोग मर रहे हैं लेकिन दुनिया उसी रूटीन में चल रही है। आओ प्रे करें, प्रार्थना करें, दुआ करें, अरदास करें कि ऐ मेरे मालिक, ये जो तेरे बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं उसके, हम सबको सबसे पहले तो अच्छी जिंदगी दे। जिंदगी भी हमें ऐसी मिल रही है कि रोज मर रहे लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता सुसाइड कर रहे लोग हैं, इतनी स्ट्रगल फॉर लाइफ है, स्ट्रेस है, टेंशन। चलो जिंदगी ऐसी दी है तो कम से कम हमें मौत तो अच्छी दे दे, आसानी से दे दे, ये प्रे करो। और उन बच्चों को याद करो जो बेकसूर मारे गए, उन माओं के लिए थोड़ा सा एक पल आंख में आंसू
जरूर ले आना जो रो रही है, उस बाप के आंसुओं की को श्रद्धांजलि दे देना, या कभी किसी का वश चले तो उसकी हेल्प कर देना जिनको अभी भी डेड बॉडी की तलाश है, बच्चे तो उनके जा चुके हैं। तो सारी दिल्ली तकलीफ में है। मैं प्रिंसिपल साहब को कहता था कि मैं प्रे करता हूँ जल्दी शांति आए, यहाँ पीस और अमन से हम लोग रहें, तो फिर मैं दोबारा आऊँगा, थोड़ा ढोलकियाँ छैने भी लेके आऊँगा। पॉलिटिक्स तो मुझे मैंने हुक्म मान लिया है, मेरा असली पैशन तो संगीत है, मेरी ज़िंदगी संगीत है, मेरी सांस संगीत के ज़रिए ही चलती है। तो एक प्रे किया करता हूँ मैं आपके साथ, शेयर करता हूँ कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना, मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे मेरे मालिक, मुझे जज्बात पे काबू दे दे, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूँ, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे, गर्ज बरस प्यासी धरती पे फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाना बच्चों को गुड़दानी दे मौला, फिर मूरत से बाहर आकर, ये शेर सुनना जरा, फिर मूरत से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा, फिर मंदिर को मीरा जैसी दीवानी दे मौला, तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो, तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो, हम जीने वालों को मरने की आसानी दे मौला, हम जीने वालों को मरने की आसानी दे मौला। मैं प्रे करता हूँ, आप तो उस उम्र में हैं जिस उम्र में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपके चेहरे पे हंसी रहनी चाहिए, मुस्कुराहट रहनी चाहिए, तो हम सब लोग इस कैफियत से गुजरे हैं, तो वैसे ही मैंने शेयर किया है ताकि हम एक दूसरे का दर्द बटा सके, एक दूसरे के धर्मों से ऊपर उठकर, मजहबों से ऊपर उठकर कभी हम विचर सकें, तभी हम कह सकेंगे सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। अगर ऐसे दंगे होते रहे तो लोग की कहेंगे कि सारे जहां से अच्छा गंदा और जालिम हिंदुस्तान हमारा, ये कहेंगे और शेम शेम कहा करेंगे। हमें इंसानियत पे ये दाग है जो भी हो रहा है, कभी पार्टीशन हो जाती लाखों लोग मर जाते हैं, कभी 84 के दंगे हो जाते हजारों लोग मर जाते हैं, अभी ये तो गिनती आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं, जिनके गुम हैं पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे, किस हाल में मारे गए, कोई आईबी का ऑफिसर है, कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी कर रहा है, कोई बच्चे बेचारे बेकसूर ऐसे बाजारों में घूमते उन जालमों के अड़के आ गए। आओ प्रे करें, ऐसे ही हंसते रहे लोग, मुस्कराते रहे, आप खुश रहो। इस कॉलेज में बहुत सारे कॉलेज हैं दिल्ली में, लेकिन देशबंधु कॉलेज का ख़ास नाम है, इसमें आर्ट से लेके साइंस मेडिकल तक बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, और इस कॉलेज से निकले हुए हिंदुस्तान के बहुत बहुत अजीम हस्तियां आपकी तरह स्टूडेंट्स थी, तो आप भी इतना अचीव करें, प्राप्ति करें, आप बड़े लोग बने, सिर्फ एजुकेशन लें और मोहब्बत लेके जाएं, बस मोहब्बत की कमी आ गई है अब दुनिया में, मोहब्बत की कमी आ गई है। इनको पता नहीं धर्मों वालों को कि जब मर गए किसी को नहर में या किसी दरिया बुर्दा किया जाता है, इतनी सी राख बनती है जिनको अस्त कहते हैं, तो किसी को जमीन में दबा दिया जाता है, फिर जात भी साथ चली जाती, मज़ भी साथ जाती, जीते जी अच्छे काम करो, आपस में मोहब्बत करो, ताकि जब ऊपर जाओ तो शर्म ना आए आप लोगों को, या फिर ये बता दो रब कितने हैं,
अगर एक ही रब है, एक ही रब के हम बंदे हैं, तो ऐ लोगों एक दूसरे पे जुल्म क्यों, धर्म के नाम पे सियासत क्यों, धर्म के नाम के कत्ल गारत क्यों। बस मेरा इतने पैगाम था, खुश रहो, सलामत रहो, हंसते रहो।